अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बाबर अनवर। बात करना चाह रहा था कि आप ऑनलाइन बुकिंग्स जो बनाते हो होटल से, जैसे कि बहुत फेमस पोर्टल्स हैं booking.com, अगोडा या फिर Airbnb, जिसकी आजकल बहुत चर्चा कर रहे हैं आज़ाद चाय वाला साहब। तो जनाब, हमारे पास, मैं पिछले 15 साल से ट्रेवल फील्ड में हूँ और हमारे पास बारहा इस तरह की कंप्लेन्स आई हैं कि ऑनलाइन पोर्टल से बुक करने के बाद परेशानी हुई है। तो ट्रैवल एजेंट सारे बुरे नहीं होते, वैसे तो आपकी मर्जी है, आप इस वीडियो को देखने के बाद जैसे भी करना चाहो वो करो, रोजी का राजिक तो अल्लाह है। लेकिन ट्रैवल एजेंट की रोजी अगर अल्लाह ने इस काम से लगाई है और आपके काम से आप पैसे खर्च करने जा रहे हो, अगर थोड़े बहुत पैसे एजेंट को मिल जाते हैं, जरूरी नहीं है सारे फ्रॉड, जो वैसे तो हर फील्ड में ही आपको कुछ ना कुछ मिलता है, हमारे साथ भी दसियों जगह बहुत सारी चीजों के अंदर फ्रॉड हुआ है लैक ऑफ अवेयरनेस और नॉलेज की वजह से। और एजेंट के लिए वैसे भी ऐसा होता है कि अगर आपने कहीं ट्रैवल करना होता तो आप अपने रीसेंट सर्कल के अंदर देखते हो कि कोई ऐसा जानने वाला या दोस्त का दोस्त हो जिसके थ्रू आप कर लो, आप अननोन से तो वैसे भी काम नहीं करते। और वैसे भी हमारी फील्ड तो इतनी ट्रांसपेरेंट है, हर चीज की कॉस्ट और सब चीजें आप लोगों के सामने होती हैं। तो एजेंट के पास आने का बेनिफिट ये होता है कि आपको अंडर वन रूफ सारी चीजें मिल जाती हैं। लाइक अगर आप कोई टिकट वेबसाइट पर सर्च कर रहे हो लेट से किसी भी मुल्क का, तो वहां की वीजा पॉलिसीज, जैसे कोविड के अंदर बहुत ज्यादा चेंजेस आए हैं पॉलिसीज को लेकर, तो हर चीज तो वेबसाइट आपको नहीं बताती। एमिरेट्स में या XYZ किसी भी एयरलाइन की आप वेबसाइट सर्च कर रहे हो, आपको PCR टेस्ट से लेके मल्टीपल एयरलाइन ऑप्शन से लेके ट्रांजिट पॉसिबिलिटीज बता के, हो सकता है कोई आप ऑनलाइन ऐसी बुकिंग कर लो जहां ट्रांजिट आपको 8 घंटे से ज्यादा अलाउड ना हो, या न्यूजीलैंड, पाकिस्तान से आप कहीं सफर कर रहे हो, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, न्यूजीलैंड से ऊपर से अगर आपका जहाज भी गुजरेगा ना तो भी आपको वीजा चाहिए। हांगकांग आपको ट्रांजिट भी अलाउ नहीं करता है पाकिस्तानी पासपोर्ट पे। आपने मिसाल के तौर पे कैथे पैसिफिक का टिकट ले लिया कुआलालंपुर तक के लिए और हांगकांग वो रुक रहा है, आप 1 घंटे का ट्रांजिट देख रहे हो, ट्रांजिट अलाउड ही नहीं है, आपको बोर्डिंग नहीं मिलेगी। तो यही सारी नॉलेज गैदर अप करके कई साल की मेहनत के बाद ट्रैवल एजेंट आपको चीजें बता रहा होता है। ट्रैवल एजेंट के पास से आपको टिकट भी मिल रहा है, वीजाज भी मिल रहा है, एम्बेसी की पॉलिसीज भी मिल रही है, रिसेंट पॉलिसीज भी मिल रही है, वैक्सीनेशन कौन सी अप्रूव्ड है, सर्टिफिकेट वीजा के साथ लगाना है या ट्रैवलिंग के लिए चाहिए होगा, ट्रैवलिंग में क्या क्या चीजें हो सकती हैं, फिर खुद हमने ट्रैवल करके अच्छा अच्छा खासा मुल्क हमने खुद ट्रैवल करके आप लोगों के लिए एक्सपीरियंस किया, जाहिर सी बात है हमारा भी एक एक्सप्लोर किया हमने भी, लेकिन उससे जो लेसन हमें मिले वही हम इम्प्लीमेंट करते हैं अपने कस्टमर्स को बेहतर गाइड करने के लिए। एक तरह से हमने अपनी इन्वेस्टमेंट आपके लिए की है ना, तो मैं फोर्सफुली नहीं कह रहा हूं आप एजेंट को चूज करो, इट्स अप टू यू, लेकिन मैं सिर्फ ये बता रहा हूं कि एजेंट बदनाम बहुत सारी जगहों पे है, ठीक है अच्छे बुरे लोग हर जगह पे होते हैं, लेकिन एक को देख के आप सबको एक ही लाइन में खड़ा नहीं कर सकते हो, 5 उंगलियां बराबर नहीं, ये सारे फील्ड्स के लिए, ठीक है जनाब। तो आपको वहां पे होटल, हम लोग तो ये कहते हैं कि भाई प्री बुक्ड होकर जाना चाहिए। प्री बुक्ड होने में बेनिफिट क्या होता है कि आपको उतरने के बाद पीस ऑफ माइंड होता है, आपको पता होता है कि भाई मैंने एग्जिट करना है एयरपोर्ट से, ये मेरा लोकेशन है, उसके आपने ग्लिम्स, तस्वीरें, एरिया, सिटी सेंटर है या नहीं। अब आपने ऑनलाइन कोई चीज सस्ती देख के होटल बुक कर ली और वो इंडस्ट्रियल एरिया है जहां पे कोई हैपनिंग प्लेस नहीं, कुछ नहीं है, मगरिब के बाद सन्नाटे हो गए, अब आप क्या करोगे, टैक्सीज ले लेके आप सिटी सेंटर में आओगे तो आपका जो आपने होटल पे बचा है वो सारा तो किरायों में चला जाएगा। तो हमारे पास प्रैक्टिस में होता है, यूज टू होते हैं, जहां आप पहली बार जा रहे हो वहां हम पहले 5,000 लोगों को भेज चुके हैं, तो हमें पता होता है कि वहां पे स्ट्रीट क्राइम कैसा है, नाइट लाइफ कैसी है, हैपनिंग प्लेसेस कौन से हैं, मस्जिदें कहाँ मिल जाएंगी, हलाल फूड इजीली कहाँ मिल जाएगा, कहाँ आप वॉन्डर अराउंड कर सकते हो, फैमिली के साथ जाने जैसा एरिया है या नहीं, बहुत सारी चीजें होती हैं जो हमने कवर अप की हुई होती हैं, उसी एक्सपीरियंस की रोशनी में हम आपको बता रहे हैं। और अगर आप किसी एक एयरलाइन को देख रहे हो तो सिर्फ अपना प्राइस देगा, हम आपको मल्टीपल ऑप्शन दे देंगे, भाई इस यहां से यहां जाने कतर एयरवेज ले लें, एमिरेट्स ले लें, XYZ जो जो है, हम आपको मल्टीपल ऑप्शन दे देंगे। प्लस आपने कहा यार मुझे यूरोप जाना है, यूरोप से मैं सोच रहा हूँ कि यूके निकल जाऊं, यूके से USA चले जाऊं, अब आपको मल्टीपल डेस्टिनेशंस ना ही कोई एयरलाइन का ऑप्शन देगा या फिर कोई और पोर्टल भी नहीं देगा। मिसाल के तौर पे आपने ऑनलाइन बुकिंग बना भी ली और वहां पे आपके साथ कोई कार्ड फ्रॉड हो गया, किसको पकड़ेंगे, जैसे कि Airbnb है या booking.com है, अब उन्होंने लाइव चैट का ऑप्शन निकाला है, मल्टीपल लोगों के साथ ये प्रॉब्लम्स हुए, कॉन्फर्मेशन लेटर हाथ में है, होटल पे पहुंच रहे हैं, होटल कह रहा है कि हमारे पास तो आपकी बुकिंग एग्जिस्ट ही नहीं करती है, तो अब आप क्या करोगे, आप वो सामान उठा उठा के फिर दूसरे होटल में जाओगे, दूसरा एरिया चेक करोगे, वहां के रूम रेंट देखोगे। एटलीस्ट हम आपके साथ 24/7 व्हाट्सएप पे कनेक्टेड हैं, आप तो
ठीक है ना, आपने हमें एक कॉल मिलाई, हमने आपका मसला हल कर दिया। इसी तरह से हम आपको मल्टीपल चीजें दे रहे होते हैं, क्रूज आप वेबसाइट से बुक नहीं कर सकते हो, उमरा हज आप उमरा किस तरह अप्लाई करोगे, डायरेक्ट कॉन्सुलेट जाओगे क्या? तो बहुत सारी चीजें होती हैं जो आपको नहीं पता होता, जिसका काम उसी को साझे। अब मुझे भी कोई चीज चाहिए होती है, मैं भी चार लोगों से पूछता हूँ, जो बेस्ट पॉसिबल लगता है ले लेता हूँ। अब मैं ऑनलाइन लेने जाऊंगा, सही है, ठीक है, समटाइम्स हो भी जाता है, बेस्ट है, अच्छा है, लेकिन अगर आपने किसी से पूछ लिया, उसकी एक्सपर्टीज को अगर आपने अवेल कर लिया और उसके दो दो पैसे बन गए, उसकी रोजी लग गई, तो क्या बुरा है इसके अंदर? प्लस ये हज उमरा हम आपको बता रहे होते हैं, और फ्रॉड से बचने के लिए आप किसी जानने वाले से काम करें, एक बार ट्रस्ट बिल्ड हो जाए उसके बाद आप रेगुलर करें। जैसे आपने अपना टेलर एक रखा हुआ है, बार्बर एक रखा हुआ है, एक जगह से आपके घर पर सामान आता है, तो डॉक्टर एक रखा हुआ है, ट्रेवल एजेंट एक चूज करने में क्या प्रॉब्लम है? अगर आपको उससे कोई प्रॉब्लम आ रहा हो तो आप बिल्कुल स्विच करें, कोई फोर्स आप बाउंड थोड़ी हो। अब हमारे पास हैं सेलिब्रिटीज हैं, आपने मेरी चैनल पे देखा होगा सनम जंग, उनके पास अल्लाह का शुक्र है पिछले 6-8 साल से वो मुझसे जो भी उन्होंने ट्रैवलिंग की है, इस तरह के और नाम है, आलमगीर खान फिक्सिट वाले, उनकी वीडियो मेरे चैनल पे पड़ी हुई है, ताबिश हाशमी है या राठौर साहब है, बहुत सारे इस तरह के नाम है, इन लोगों ने अल्लाह का शुक्र है हमारे पास काम किया है। और ये इन लोगों के नाम बताने का मकसद ये कि ये लोग कॉम्प्रोमाइजिंग चीज नहीं लेते, इनके पास इतना टाइम नहीं होता कि वहां जाके फौरी नापे, और अगर इनको एक आध दफा में कोई प्रॉब्लम होगा तो अगली दफा पलट के थोड़ी आएंगे। मुझे रिसेंटली अभी सनम जंग ने शाउट आउट दिया है, तो मैं अपनी तारीफें नहीं गिनवा रहा, बता ये रहा हूं कि फ्रॉड हर जगह पे है, चूज वाइजली। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।